Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Friends, I hope कि आपको condition and supposition वाले sentences अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे. Today I am going to teach you about the concession and contrast. वैसे sentences जिसमें दो sentence होते हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत भाव लिए हुए होते हैं. ठीक है friends? वैसे sentences जिसमें दो sentences होते हैं और दोनों सेंटेंस एक दूसरे के विपरीत होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, कंट्रास्ट या कंसेशन वाले सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऐसे दो सेंटेंस जो एक साथ ही होते हैं बट दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों का अर्थ एक दूसरे के उल्टा होता है. ठीक है फ्रेंड्स, कम कंसेशन एंड कंट्रास्ट. यद्यपि जबकि, वह धनी है फिर भी वह कंजूस है. कंट्रास्ट एंड कंसेशन वाला सेंटेंस में यद्यपि या जबकि से हम शुरू करते हैं. जैसे हम बोलते हैं ना कि वो धनी है फिर भी बेईमान है, या वो गरीब है फिर भी सुखी है. हम आम बोलचाल की भाषा में इस तरह से बोलते हैं, यद्यपि या जबकि लगाकर नहीं बोलते हैं, इतना शुद्ध हम नहीं बोलते, बट डायरेक्ट बोल देते हैं कि वो गरीब है फिर भी सुखी है, वह अमीर है फिर भी बहुत कंजूस है. तो हम इसमें समझने के लिए यद्यपि या जबकि का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर सही तरीके से बोला जाए तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि यद्यपि या जबकि वह गरीब है फिर भी सुखी है. तो आइए देखते हैं कि हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते कैसे. ठीक है फ्रेंड्स, दो या ऑल दो, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे हम. यद्यपि और जबकि के लिए दो या ऑल दो का इस्तेमाल करेंगे. दो या ऑल दो, उसके बाद जैसा सेंटेंस है वैसा हम लिख देंगे. ही इज रिच. अब यहां पर हम फिर भी के लिए कोई इंग्लिश नहीं लिखने वाले हैं, कुछ होगा भी नहीं. फिर भी वो कंजूस है. ही इज माइजर. दो या ऑल दो, ही इज रिच, ही इज माइजर. इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं जो शायद आपके लिए इजी होगा, कि ही मे बी रिच बट ही इज माइजर. मुझे लगता है कि ये आपका दूसरा सेंटेंस जो है आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, बट जानना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि हम तो ये बोलेंगे लेकिन सामने वाला कौन सा सेंटेंस का इस्तेमाल करेगा हमें क्या पता. इसलिए दोनों तरह के सेंटेंसेस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम दूसरे तरीके से जो हमने बनाया कि ही मे बी रिच बट ही इज माइजर, जबकि वह धनी है फिर भी वह कंजूस है. यहाँ पर हम दो सेंटेंस बना रहे हैं और दोनों को आप देख लेना कि जो भी इजी लगे आपको, आसान रास्ता लगे, वो आप उस हिसाब से बोलना, बट जानकारी दोनों की होनी चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं. यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह सुखी है. दो या ऑल दो, ही इज पुअर. ठीक है, ही इज रिच हैप्पी. दो या ऑल दो, ही इज पुअर ही इज हैप्पी. इसको हम दूसरे तरीके से बनाते हैं कि ही मे बी पुअर बट ही इज हैप्पी. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस आप यहाँ पर देखो, यद्यपि वह गरीब है, वह गरीब है फिर भी वह सुखी है. मीन्स इस सेंटेंस में जो अर्थ है, इस सेंटेंस का जो अर्थ है, इस सेंटेंस के अर्थ से उल्टा है, मीन्स विपरीत है. दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ लिए हुए हैं. ठीक है फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस को हम बोलते हैं कंसेशन या कंट्रास्ट. ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऐसे बनाते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. अभी हम इसी तरह के कंसेशन एंड कंट्रास्ट में कुछ और अलग तरह के सेंटेंसेस को हम लेते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो मैंने सेंटेंसेस लिख दिया है कि तुम मुझे भले ही गाली दो मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा. इसमें भी दोनों सेंटेंस एक दूसरे के विपरीत है.
एक सेंटेंस में कहा जा रहा है कि तुम मुझे भले ही गाली दो, और दूसरे सेंटेंस में ठीक उसके उल्टा बोला जा रहा है कि मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंस, तुम मुझे भले ही गाली दो मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा, तुम मुझे चाहे गाली दो या कुछ भी करो मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा, इस तरह के सेंटेंस को हम बनाने के लिए इवन इफ या नो मैटर, इवन इफ या नो मैटर का इस्तेमाल हम करते हैं। इवन इफ या नो मैटर दोनों में से कोई एक लिखकर आप उसके बाद सेंटेंस को बना दो, यू अब्यूज मी, अब्यूज मी। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। इवन इफ या नो मैटर दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल करना है, उसके बाद यू अब्यूज मी, आई विल कंटिन्यू टू लव यू, तुम मुझे भले ही गाली दो मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। इवन इफ नो मैटर दोनों में से, याद रहे दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना है, या तो इवन इफ या नो मैटर। इवन इफ यू अब्यूज मी आई विल कंटिन्यू टू लव यू, या नो मैटर यू अब्यूज मी आई विल कंटिन्यू टू लव यू। ओके फ्रेंड्स, अभी दूसरा सेंटेंस है, मैं भले ही टूट जाऊं लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। इसमें भी इवन इफ या नो मैटर, उसके बाद सेंटेंस क्या है, मैं भले ही टूट जाऊं, तो मैं टूट जाऊं, आई ब्रेक, बट इवन इफ या नो मैटर आई ब्रेक, आई कांट बेंड। इवन इफ नो मैटर आई ब्रेक आई कांट बेंड मीन्स मैं झुक नहीं सकता, या मैं झुकूंगा नहीं, या आई विल नॉट बेंड, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, आई कांट बेंड। आप ये मत देखना कि झुकूंगा नहीं, दिस इज द फ्यूचर टेंस, तो आप कांट क्यों लिखा आपने। फ्रेंड्स, हम बोलचाल में या लैंग्वेज में हम ये नहीं देखते, मीन्स एक्यूरेट वर्ड बाई वर्ड हम इंग्लिश नहीं बोलते, सेंस पर बोलते हैं, आखिर अर्थ यही निकलता है ना, तो अर्थ के हिसाब से हम इंग्लिश बनाते हैं, कि अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए। हम यहाँ पर आई विल नॉट बेंड भी लिख सकते हैं, या आई कांट बेंड भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी का अर्थ चेंज नहीं होता है, अर्थ वही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए मैं भले ही टूट जाऊँ लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, इवन इफ आई ब्रेक आई कांट बेंड, या नो मैटर आई ब्रेक आई कांट बेंड, इस तरह से हम इवन इफ और नो मैटर लगाकर हम सेंटेंस सीधा जैसा कि तैसा बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा एडवांस कोर्स के सेंटेंसेज हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इसमें सेंटेंस सुनने से अजीब सा लगता है, बट एक बार आपको पता चल जाएगा कि इसको बनाते कैसे हैं तो ईजी लगने लगेगा, अगर आपको टेंस और बेसिक की जानकारी होगी तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न बाकी रहा होगा तो आप कमेंट ज़रूर करना, कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अगर थोड़ा भी अच्छा लगता हो हमारी टीचिंग आपको, तो आप लाइक ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।